डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग पिछले क्लास तक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ रहे थे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में हम लोगों को चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चलिए आज एक नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के बुक से। वो है नंबर 14 चैप्टर। अब 14 वाले चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकी। क्या नाम है इसका? सांख्यिकी। ये 14 नंबर चैप्टर है सांख्यिकी। इसको इंग्लिश में स्टेटिस्क बोलते हैं, स्टेटिस्क। ठीक है, तो स्टेटिक्स चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, 14 नंबर चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में, हालांकि पिछले क्लास में भी आप लोगों ने सांख्यिकी पढ़ा होगा, अब सांख्यिकी में यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले दोस्तों, वो तीन तरीके के चीज़ों को पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी में। पहले समझ लीजिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी में। अब सांख्यिकी होता क्या है? तो इसमें बारंबारता होता है, मिलान चिन्ह होता है, इसमें प्राप्तांक, छात्रों, बहुत सारे छात्र होते हैं, अलग अलग मार्क्स लाए हुए होते हैं, तो उनको एक तौर पे, एक सारणी के तौर पे सजा कर हमें बारंबारता फाइंड करना, हमें बहुत चीज़ें निकालने सिखाया गया होगा पिछले क्लास तक के सांख्यिकी के चैप्टर में। लेकिन अभी 10th क्लास के सांख्यिकी में हम लोग सांख्यिकी में कुल मिलाकर तीन चीज़ें निकालना सीखेंगे। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक और तीसरा है बहुलक। याद रखिएगा, सांख्यिकी में यानी कि 10th क्लास में हम लोग तीन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। पहला का नाम है माध्य, दूसरा का माध्यक, तीसरा का बहुलक। ठीक है, और एक और चीज आप पहले पढ़े होंगे, वो क्या पढ़े होंगे? तो आप पढ़े होंगे संचयी बारंबारता के बारे में। हालांकि ये बारंबारता आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जिसको संचयी बारंबारता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात, यहाँ पे एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, तोरण कहा जाता है। ये तोरण एक नाम याद रखना है, संचयी बारंबारता वक्र। वक्र का मतलब टेढ़ी लाइन, ये तो सीधा रेखा हो गया, इसी को इसे मुड़ा देंगे तो ये वक्र रेखा कहलाती है। तो याद रखिएगा, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? तो तोरण कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आ सकता है। संचयी बारंबारता क्या है? तो जो हम लोग बारंबारता निकालते थे, जो दिया हुआ होता था, वही एक तरह का संचयी बारंबारता है। ठीक है, अब संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग क्या कहते हैं? जो भी वक्र है उसको कहते हैं तोरण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र को तोरण कहते हैं। अब इस तोरण में होता क्या है? तो याद रखिएगा, वक्र, संचयी बारंबारता वक्र जहां मिल गया उसको आप एक नया नाम दे सकते हैं, तोरण। ठीक है, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले माध्य के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज है 14.1, 14.2, 14.3, तो 14.1 वाला जो एक्सरसाइज है सिर्फ और सिर्फ माध्य के बारे में ही सवाल है। तो हम लोग लगभग 3 क्लास इसका थ्योरी होगा, हम लोग थ्योरी समझेंगे कि आखिर माध्य क्या होता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्य निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग अब चलिए पढ़ते हैं माध्य के बारे में। तो अब टॉपिक दिया जाए माध्य। ठीक है,
माध्य हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले माध्य को किससे सूचित करते हैं, तो माध्य को एक्स पे ऊपर बार देते हैं। आप पढ़े होंगे रेकरिंग क्लास 9th में, तो एक्स बार से सूचित करते हैं माध्य को। अच्छा, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ प्रेक्षण रहेगा, एक तरफ क्या लिखेगा प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, और एक तरफ लिखा रहेगा उसका बारंबारता। फिर प्रेक्षण को हम लोग एक्स आई से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा एक्स आई का मतलब प्रेक्षण। बारंबारता को हम लोग एफ आई से सूचित करते हैं, और गुणनफल किसका गुणनफल भाई, तो प्रेक्षण और बारंबारता के गुणनफल को हम लोग कहेंगे एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई। ये हम लोगों को दो गो चीज दिया रहता है, ध्यान रखिएगा कितना चीज दिया रहता है, दो चीज। पहला वाला का मान लीजिए एक्स वन, तो इसका हो गया एफ वन, इसका एक्स टू तो इसका एफ टू, ऐसे ही इसका आगे बढ़ते रहेगा एक्स एन तक, इसका भी आगे बढ़ते रहेगा एफ एन तक, ठीक है। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको गुणा कराएंगे, तो क्या होगा एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके यहां मिलेगा एक्स एन एफ एन, ठीक है। यानी कि हमें दो चीज दिया रहेगा और दो चीज से हम पहले गुणनफल निकालेंगे। अच्छा, इधर तो प्रेक्षण हो गया, इधर क्या हुआ बारंबारता यानी कि एफ वाला, और फिर इधर हम लोग गुणनफल निकाल लिए। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद यहां हम लोग देखेंगे। अब माध्य का फार्मूला होता है, माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला प्रेक्षण के मानों का, प्रेक्षण के मानों का गुणनफल का योग, गुणनफल का योग बटा बटा प्रेक्षणों का या बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। ध्यान रखिएगा माध्य का फार्मूला क्या होता है, प्रेक्षण के मानों के गुणनफल का योग बारंबारता का योग। इस तरीके से एक्स बार यहां लगा देंगे, क्यों, क्योंकि माध्य को एक्स बार से सूचित करते हैं, बराबर प्रेक्षण के मानों का गुणनफल, तो प्रेक्षण के मान का गुणनफल तो यही ना आया है एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू, ऐसा करते करते एक्स एन एफ एन तक। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू, एक्स थ्री एफ थ्री, ऐसे ही बढ़ते जाएगा कहां तक एक्स एन एफ एन तक। और नीचे बारंबारता का योग, तो बारंबारता देखिए ये बारंबारता है एफ वन एफ टू एफ थ्री, तो इस तरीके से इसका योग करना होगा, तो इसको लिखेंगे एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन तक। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार का मतलब क्या समझ रहा है, एक्स बार का मतलब हुआ माध्य। अब एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू, एक्स थ्री एफ थ्री, ये सब जो है ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इसी को हम लोग समेशन से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं समेशन या सिग्मा, इसको क्या कहते हैं सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, और ये एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू है,
वैसे ही एक्स आई एफ आई, यहाँ एक्स आई एफ आई कर दिए, और आई का वैल्यू कहाँ से भाई, वन से लेकर एन तक। देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आई एफ आई का मतलब क्या हुआ कि एक्स एफ साथ में आ रहा है, तो एक्स एफ साथ में रखे यहाँ पे, ठीक है, एक्स एफ को साथ में रखे। अब यहाँ आई दिए, आई यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, पी पी भी दे सकते हैं, टी टी भी दे सकते हैं। आई का वैल्यू वन लिखे हैं, माने कि वन से स्टार्ट करना है, एक्स वन एफ वन, फिर टू टू रखेंगे तो एक्स टू एफ टू, ऐसा करके कहाँ तक, एन तक। यानी कि सिग्मा का मतलब ये वाला जोड़ हुआ, हम इतना लंबा को हम लोग इतना ही में सलटा दिए, इसका मतलब ही हो गया कि एक्स आई है एफ आई है, तो आई के जगह पे आपको वन से शुरू करना है और एन तक के रखना है। यानी इतने लंबे जोड़ को हम लोग सिग्मा से छोटा करके दिखा देते हैं, तो बात वही है लेकिन यहां सिग्मा का यूज किए हैं, सिग्मा मतलब जोड़। ऐसा ही देख पा रहे होंगे एफ वन एफ टू एफ थ्री सिर्फ आ रहा है, तो इसको अगर सिग्मा में चेंज करें तो सिग्मा हो गया एफ आई देंगे सिर्फ, लेकिन आई का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है, वन से कहां तक, एन तक। तो इसलिए इसका फार्मूला याद रखना है भाई कि एक्स एक्स बार यानी कि माध्य का फार्मूला हुआ कि एक्स आई एफ आई का गुना करके जोड़ना है वन से लेकर एन तक, और भागा कर देना है सिग्मा एफ आई आई का वैल्यू वन से लेकर एन तक। यानी कि यही हो गया हम लोगों को माध्य का फार्मूला। अब ये माध्य का फार्मूला ये हुआ, अब इसका यूज कैसे करना है सबसे महत्वपूर्ण समझना है। हम लोग तो ये फार्मूला समझ गए कि कैसे कैसे क्या क्या लाया, जब तक कि एग्जाम्पल्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक के समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पे हम लोग एग्जाम्पल्स कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल्स हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ अब एग्जाम्पल्स लिया जाए, तो एग्जाम्पल्स यहाँ हम लोग लेते हैं। देखिए देखिए अभी जो फार्मूला हम लोग पढ़े उसको यूज कैसे करना है उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के तौर पे हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन देख पा रहा होगा, किसी स्कूल के कक्षा टेंथ के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के, सॉरी यहाँ 30 नहीं होंगे, कम ही होंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ हम लोगों को छूट गया है, इसलिए कुछ विद्यार्थी यहाँ लिख दीजिए, 30 विद्यार्थी नहीं, कुछ विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्राप्तांक दिया है, यानी कि 10 नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या एक है। अब 100 में से 20 नंबर कै गो लाया है लेकिन, एगो। 100 नंबर के टेस्ट हुआ गणित के, उसमें से 36 नंबर आया कै गो लेकन के, तीन गो। 100 में 40 आया कै गो लेकन के, चार गो लेकन के, चार गो विद्यार्थी के। 100 में से 50 कितने स्टूडेंट्स लाए हैं, तीन स्टूडेंट। तो ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब हमको माध्य निकालना है, तो इसका उत्तर में सबसे पहले एक तरफ आप प्राप्तांक बनाएंगे, प्राप्तांक यानी कि अंक, जितना अंक हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो इसको एक्स आई से सूचित करेंगे, ठीक है। और कितना स्टूडेंट्स लाए हैं वो तो एक तरीके का बारंबारता ना हो गया, बारंबारता का मतलब ये हुआ कि एक ही चीज कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 जो है एक बार रिपीट हुआ है, 36 जो है तीन बार रिपीट हुआ है, रिपीट बारंबारता का मतलब बार बार आना, ठीक है, उसी को ना बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ पे बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं, तो यहां लिख दीजिए विद्यार्थी की संख्या, इसको एफ आई से सूचित करेंगे। फिर हमको तो दुवे को चीज दिया था, अब यहां गुणनफल अपने से एक सारणी बनाना है, क्यों, क्योंकि हम लोग माध्य अभी सीखे हैं। कैसे माध्य निकालना सीखे हैं भाई, कि जब प्रेक्षण दिया रहे, बारंबारता दिया रहे, ये दुए गो सवाल में दिया रहेगा, गुणनफल हमको अपने आप से निकालना है, ठीक है, ये दो गो सवाल में दिया रहेगा, ये वाला अपने आप से निकालना है। तो हम लोगों तो दो ही ठो दिया था,
ये और ये दिया है, गुणनफल निकालिए जिसका मतलब हुआ एक्स आई एफ आई। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या कि एक्स आई के जगह पे 10 लिखा है, फिर 20 लिखा है ना। 10 कितनी बार आया, एक बार, तो ये बारंबारता हुआ। 20 कितनी बार आया है, 20 में विद्यार्थी पाने वाला संख्या एक है, 36 में 3 है, 40 में 4 है, ठीक है, ऐसे ही 50 में 3 है, ऐसे ही आप लास्ट तक के लिख लीजिएगा। यहाँ हम जगह छोड़ देते हैं, बीच में मतलब कि कुछ भी होगा आप बना लीजिएगा। लास्ट 88 वाला में कितना है, 2 है, ठीक है। अब एक्स आई एफ आई को गुना करके लिखना है, तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10, 20 को 1 से गुना करेंगे 20, 36 को 3 से 101, 40 को 4 से 160, ऐसे ही करके इसका इसका गुना कर लेना है इधर, ऐसे ही बीच में भी गुना कर लीजिएगा, 176 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में एक योग किया जाता है, तो यहाँ योग कीजिएगा, योग वाला सारणी बनाइएगा, और योग वाला में कैसे भाई, तो ई वाला एफ आई वाला को जोड़िएगा, एक एक दो, दो और तीन पाँच, पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, और बीच में जो आएगा उसको जोड़ के यहाँ लिख लेना है, टिक किए हैं, टिक वाला बारंबारता का जोड़ है। और फिर गुणनफल को भी तो जोड़ा जाता है ना, देखे हैं, देख रहे हैं, एक्स आई एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू, एक्स थ्री का जोड़, और एफ वन एफ टू यानी बारंबारता का जोड़, तो बारंबारता को तो जोड़ नीचे लिख लिए, फिर गुणनफल को भी जोड़ेंगे, तो गुणनफल का जोड़ ये देख रहे हैं ऊपर में, तो 10 और 20 30, 30 और 1 101, तो 131, ऐसे ही सब जोड़ के यहाँ कट कर दिए हैं, मतलब कि जितना आएगा, ठीक है। यहाँ इतना काम कर लेना है, इतना काम करने के बाद फिर आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई एफ आई एन का वैल्यू कट आएगा, यानी कि जो यहाँ पे आपको जोड़ के आएगा वही हो जाएगा एक्स आई एफ आई का वैल्यू जो 1 से लेकर एन तक के होगा, ठीक है। फिर तथा समेशन आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर एन तक, किसका, एफ आई का, ये जो टिक किए हैं सही वाला निशान, बारंबारता का जोड़ वाला आ जाएगा। अब हम लोग माध्य निकाल देंगे, माध्य बराबर यानी कि एक्स बार बराबर कुछ ही फार्मूला होता है, समेशन या सिग्मा एक्स आई एफ आई, आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक एफ आई, तो इसका वैल्यू तो हम लोग कट आया है ऊपर और ये टिक आया है बारंबारता, दोनों को डिवाइड कीजिएगा जो आंसर आएगा वो माध्य निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर माध्य हम लोग निकालना सीख चुके हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, सवाल में दो चीज आपको दिया रहेगा, एक प्राप्तांक चाहे कुछ और एक बारंबारता, और ध्यान रखिए जो जितनी बार रिपीट होता है वो बारंबारता कहलाता है। तो ये दो चीज ही दिया रहेगा, अपने तरीके से इसको गुणनफल करके जोड़ लेना है, ये हो जाता है सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक के, और ये हो जाता है सिग्मा एफ आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक के, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसका आप आंसर हमें ज़रूर बनाकर भेजेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नई चीज़ों को सीखेंगे। अब ये अगले क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कि माध्य कितने तरीके से निकाला जा सकता है, ये तो सबसे सिंपल तरीका है, फिर हम लोग अगले क्लास में और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।